नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पैरामेडिकल अपडेट पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश टैबलेट और स्मार्टफोन योजना वितरण। तो न्यू अपडेट सामने आ रही है। जैसे कि मैं पहले वीडियो बना चुका था कि 25 से आपके लैपटॉप टैबलेट स्मार्टफोन आपका वितरण शुरू हो जाएगा। अब नोटिस आ गया है, जैसा कि देख पा रहे हैं आज 24 दिसंबर है और कल 25 दिसंबर यानी कल से जो टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण है वो शुरू हो जाएगा। कहाँ पे होगा ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, इकाना, ये इकना है, तो इकाना क्रिकेट स्टेडियम है जो कि लखनऊ में स्थित है। यहाँ पर आपके टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया जाना है, जो कि कल किया जाना है, जो कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया जाना है। तो फ्रेंड्स, पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार वेट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना है, क्योंकि जैसे ही उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से या किसी नर्सिंग फॉर्म से रिलेटेड या इसके अलावा जो भी योजनाएं चलती हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो फ्रेंड, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम, आपको सीधा वो नोटिस दिखाते हैं जिसमें आपका जो टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया जाना है, कहाँ पर किया जाना है, कितने बजे से किया जाना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस नोटिस पर छिपी है। तो फ्रेंड, आप देख पा रहे होंगे ये नोटिस मैं आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ। जैसा कि ये कार्यालय जिलाधिकारी फिरोजाबाद का है, तो हर हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग दे रखा है। तो ये मैं आपको फिरोजाबाद का दिखा रहा हूँ, दिनांक देख सकते हैं 24 दिसंबर, इसमें साफ साफ इसमें मेंशन है। ये आप देख सकते हैं, ये 24 दिसंबर, इसमें किस किस के मिलेगा वो आप देख लें एक बार। तो इसमें जो क्षेत्रीय अधिकारी उच्च शिक्षा के हैं आगरा मंडल में उनको मिलेगा, और जो राजकीय मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद में है उन्हें मिलेगा, और आपके राजकीय पॉलिटेक्निक फैजाबाद में उन्हें मिलेगा, और आगे दे रखा है आपका आईटीआई कॉलेज है उन्हें दिया जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो आपको मेन पॉइंट पर ले जाते हैं। जैसे कि कल 25 दिसंबर है और उस दिन श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे, उन्हीं के जन्मदिन के जन्मदिवस पर ही स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण किया जाना है। ये कहाँ पे किया जाना है ये आप देख सकते हो, तो ये है इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में स्थित है, जो कि युवाओं की तकनीकी सशक्तिकरण हेतु प्रदान किए जाने हैं। और ये आपका जो टाइमिंग रहने वाली है वो दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में किया जाएगा, जो कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा किया जाना है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। उक्त शासनादेश के अनुसार निर्देशित किया गया है कि जनपद स्तर पर प्रत्येक कॉलेजों में कार्यक्रम का सचिव प्रसारण किया जाएगा, यानी कि सीधा प्रसारण की इसमें बात की गई है। सचिव लिखा है, ये इसमें मेंशन करना पड़ेगा, तो सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस हेतु सूचना विभाग से प्रत्यक्ष से अनुरोध किया जा रहा है कि इस संबंध में सभी कॉलेजों और जितने भी कॉलेज हैं उसमें सब खोले जाएंगे, और वहाँ पर उपस्थित होने वाले छात्र छात्राओं को सूक्ष्म जनपाल की व्यवस्था की जाएगी, यानी कि खाने पीने की व्यवस्था होगी, जनपान मतलब पानी जो भी है उसकी व्यवस्था वहाँ पर की जाएगी। अगला दे रखा है, उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त तिथि में समस्त कॉलेजों को खोलकर उपस्थित छात्र छात्राओं के समक्ष कार्यक्रम का सचिव यानी कि सीधा प्रसारण कराएं। वहाँ उपस्थित होने वाले छात्र छात्राओं को सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। तो ये नोटिस देख पा रहे हैं कि चंद्र विजय सिंह जिलाधिकारी हैं फिरोजाबाद के, उन्होंने साइन है। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग नोटिस आया होगा, तो उन सभी को इसमें जाना है। तो आप देख सकते हैं जो भी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं आप अपना वहाँ पर अलग देख सकते हैं, नोटिस आया जरूर आया होगा। कल से इस टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, जैसे शेयर करें। तो थैंक फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।